प्रदेश सरकार के महाकुंभ वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत मंडलायुक्त जैन नारिकर ने अपनी माताजी के साथ बेतिहाता स्थित सरकारी आवास पर पौधारोपण किया, जिसमें मंडलायुक्त ने औषधि और फलदार वृक्ष लगाए, जिसमें सहजन, केला, अनार, बेर के पेड़ शामिल रहे। इस दौरान मंडलायुक्त की माताजी ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वृक्ष लगाए तथा लोगों से वृक्ष लगाने की अपील की। इस मौके पर गोरखपुन्नी से बात करते हुए मंडलायुक्त की माता उत्तम जी और मंडलायुक्त जैन नारिकर ने बताया। इस कैंपस में पूरा क्लीन जो जंगल था, इसमें पूरा वृक्ष लगा था। आइए मम्मी, दबाना पड़ेगा। वो कुदाल ले आते, उससे ज्यादा अच्छा। हाँ बैठ, नहीं आ पाओ। हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा पेड़ लगे, जगह जगह उसकी सुरक्षा करें लोग बाग, और उसको ध्यान से देखें और अपने घर में भी लगाइए। सो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना ये रही है कि हर एक व्यक्ति को एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए, और उसी के हिसाब से हमारी जनसंख्या के अनुपात में इस बार 22 करोड़ पौधों को लगाने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्धारित किया है, और उस क्रम में गोरखपुर मंडल में हमें करीब लगभग 1.5 करोड़ पौध हम लगा रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं, और उसी के क्रम में आज ये सारा आयोजन किया जा रहा है। और इसमें आपके माध्यम से ये मैं सारे जनमानस को सूचित करना चाहूँगा, सिर्फ पौध लगा के ही हमारा कर्तव्य समाप्त नहीं होगा, इनफैक्ट यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है, यहाँ से हमारा कर्तव्य शुरू होता है। पौध लगाने के बाद में उसका संरक्षण, बचाव, सुरक्षा, और ये इंश्योर करना, जैसे कि हम अपने बच्चों के लिए करते हैं कि वो अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्ति करे, पनप सके, उसको वो इकोसिस्टम मिल सके। और जैसा कि सभी को विदित है कि इसी से जुड़ा हुआ जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण भी आता है, तो आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये हमें आदतन लाना है। सिर्फ अभी एक दिन हमने ये पूरा पर्व आयोजन किया है, इसके माध्यम से हम संदेश ये देना चाहते हैं कि जनमानस अपनी आदत में पौधों का बचाव, पौधों को लगाना, वृक्षारोपण अपने आदत में लाए, और जिससे कि ये एक पूरा प्रदेश जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एरिया डेवलप हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष से आच्छादित एरिया यहाँ पर डेवलप हो सके, यही एक मनोभाव के साथ हम लोग आज प्रस्तुत हुए हैं।